हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 8 सितंबर, ठीक है। और सुबह टाइम हो रहे हैं 7 बज रहा है, ठीक है। तो आज एक स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। कल इसकी जो वॉल्यूम थी, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आई है इसमें, ठीक है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक स्टॉक है, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो। डिस्क्लेमर जरूर देख लेना दोस्तों, अगर मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार कोई भी स्टॉक आप बाई करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको मुझे कल इसमें मुझे इसमें इस स्टॉक स्ट्रक्चर में मुझे कुछ दिखा दोस्तों। इसमें यह है कि इसका न्यूज़ यह है कि दोस्तों कि इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। कल शाम को बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें गेन हुआ है, यानी आज ये कमाल दिखाएगा। ये सिर्फ 1 और 2 दिन के लिए है बस दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को लगता है कि ये इसमें अपर सर्किट जरूर लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। आपको सुबह अगर मिलेगा मौका तो ज़रूर इसको बाई कर लीजिए दोस्तों। ये क्लोजिंग किया है इसने करीब, एक मिनट जरा मैं ये chartlink.com पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे 6 मंथ पीरियड रखिए और डेली बिजनेस रेंज पे रखिए, ठीक है। और अपडेट कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली नेट का थोड़ा सा दिक्कत है, स्लो चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यानी 7 तारीख को कल की क्लोजिंग थी, कल की इसने क्लोज किया है 36.65, ठीक है। 2 से 2:30 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम गेन हुआ है इसमें, बहुत बड़ा वॉल्यूम गेन हुआ है और 36.65 में ये क्लोज किया है। ये आपको अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बाई कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम गेन हुआ है तो मुझे लगता है कि ये अपर सर्किट मारेगा आज, ठीक है। और हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है, केवल 10% लेना है और निकल जाना है, क्योंकि अगर सेलिंग में आ गई तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। तो मात्र 10% लीजिए और निकल जाइए। अभी तक मैंने जितने भी स्टॉक में रिकमेंडेशन किए हैं वो सारे स्टॉक आप देख लीजिए वीडियो जाके, सारे स्टॉक ने करीब 10% का रिटर्न केवल 15 से 20 दिन में दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और एक स्टॉक का नाम है जो मैंने दिए थे, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सारा स्टॉक जो मैंने दिए हैं अभी तक सबका रिटर्न 10% दे चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो चार्ट क्या बता रहा है, कि चार्ट ये बता रहा है, देखिए ये अगर हम इसको पकड़ के, ठीक है, इसको पकड़ के ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है दोस्तों, ये देखिए, इसको पकड़ के अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो आप देखिए दोस्तों, अगर ये चैनल इसको पार कर देगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों और जबरदस्त भागेगा, ठीक है, जबरदस्त भागेगा दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये मान के चलिए कि इसमें अपर सर्किट जरूर लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा गेन हुआ है यहाँ पे, तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए यहाँ पे RSI भी देखिए, RSI जो है आप देख लीजिए, इसमें RSI अभी फिलहाल एक मिनट, ये देखिए, ये RSI जो है ये 58 पे खड़ा है दोस्तों, बहुत बढ़िया, यानी 50 के ऊपर है, बहुत स्ट्रांग पोजिशन में खड़ा है। आप इसको बाई जरूर कर लेना, ठीक है। अगर हम टिकर टेप पे भी चलते हैं, टिकर टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये माइक्रो कैप है। ये देखिए हम टिकर टेप पे चलेंगे, टिकर टेप पे क्या बता रहा है, टिकर टेप पे बता रहा है इनसफिशिएंट डेटा। देखिए इनसफिशिएंट डेटा, रिटर्न नहीं देता है ना FD के वगैरह, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। यदि आज परचेस करते हैं तो 10% रिटर्न अगर आपको दे देता है 2 दिन में तो निकल जाना इसमें, ठीक है। इसको होल्ड नहीं करना है,
ये लंबे समय वाला नहीं है ये स्टॉक, ठीक है, और रेड फ्लैग में भी है, फाउंड हुआ है, यानी हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होता है स्टॉक में, तो इसलिए इससे दूर रहना है, ठीक है। सिर्फ आज बाय कीजिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गेन हुआ है। वॉल्यूम अगर गेन होता है तो स्टॉक बहुत ज़्यादातर चांसेस रहता है अपर सर्किट मारने का, ठीक है। तो 10% लीजिए और बाहर निकल जाइए, यानी अगर आज का आज ही अगर 10% दे देता है तो कल इसको निकाल लेना, ज़्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इधर वन डे में ये 2.51% का रिटर्न दिया है, वन वीक में अगर देखेंगे तो 7.51% का रिटर्न दिया है, और वन मंथ में अगर देखेंगे तो 5.49% का रिटर्न दिया है, लेकिन वन ईयर में देखेंगे तो -46.92% का रिटर्न है, और फाइव ईयर में देखेंगे तो -82.41% है, और मैक्सिमम मतलब 5 साल का यही है, ये जो स्टॉक है ये 5 साल ही हुआ है स्टॉक को, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं अपन, एक्चुअली क्या है कि ये स्टॉक बहुत रिस्की रहते हैं, ये ऐसे स्टॉक तो इनसे दूर रहना सही रहता है, लेकिन ये देखो प्लज होल्डिंग इसमें है, इसलिए देखिए 53.75% का प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है, म्यूचुअल फंड ने कुछ भी नहीं किया, DII ने 1.25% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 0, और अदर पार्टी की देखेंगे तो 44.94%। लेकिन कल ही कल में दोस्तों बहुत बड़ा वॉल्यूम गेन हुआ है, यानी इधर FII बहुत ज़बरदस्त में मेरे को लगता है बाइंग की है, कल का मैंने ये न्यूज़ देखा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिस किसी को डीमेट अकाउंट खोलना है नीचे लिंक दिया हुआ है जरोदा का, उस पर क्लिक करके अपने या अपने फैमिली में किसी को भी अगर अकाउंट खोलना है तो खुलवा सकते हैं इस लिंक के थ्रू, और साथ में जिस किसी को भी ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ऐड हो सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों।